ये आज के युग का नहीं है। गोलागतन समाचार बटुए बक्सर जिला के गिरधर बराव से विगत कई दिन से जिला में चर्चा के विषय रहल है। पूरे बिहार भर में चर्चा के विषय रहल है गिरधर बराव में मिलल सोना के सिक्का। जी हाँ, खबर के हेडलाइन सुनी लेकिन एक पहले जान ली। रिपोर्ट बटुए वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी, वरुण सिंह जी और चंद्रशेखर सिंह के। खबर के हेडलाइन बटुए गिरधर बराव पहुँचल पुरातत्व विभाग के अधिकारी। सोना के सिक्का वाला खेत से इकट्ठा कैल गई साक्ष्य, पुलिस से हैंड ओवर लिहलस पुरातत्व विभाग बरामद सिक्का। चिन्हित खेत के 15 स्क्वायर मीटर के दायरा में कैल गई 1 फीट खुदाई। मिट्टी कंकड़ और पत्थर के जांच के साथ ले गए अधिकारी। खेत पे जारी रही अभी पुलिस के पहरा। खबर का बटुए करा के विस्तार से भोजपुरिया समाचार बताई। रौरा दर्शक लोग के बता दें कि भोजपुरिया समाचार लगातार कवरेज कैलस। भोजपुरिया समाचार शुरू में ही बतैलस कि सिक्का जवन एगो लागत बड़ुए देखे से उ लागत बड़ुए कनिष्क के साम्राज्य के समय के सिक्का हटुए। जेकर हुबीन सिक्का लैका रहन उ प्रचलन में ले रहन, यानी गुप्त काल के सिक्का हटुए दबे जुबान अधिकारी भी कहले। तो भोजपुरिया समाचार के खबर पे एक बार फिर से मुहर लागल बा। पुरातत्व विभाग के टीम भी मुहर लगेले भी है, लेकिन विस्तार से जानी अभी बहुत कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। लाइव तस्वीर दिखाई कैसे कैसे कार्रवाई भइल। आ जेकरा भी एगो बड़ा खबर और में आ रहा बटुए कि सिंधु घाटी सभ्यता के मिल गई बटुए सिलवट कूटे वाला लोढ़ा, वो कतना 5 किलो के। जी हाँ, इहो बताई भोजपुरिया समाचार। तो खबर विस्तार से जानी। गिरधर बराव के जौना खेत से 20 मार्च के खेत खातिर बांस बल्ला गाड़े निकाले के दौरान उखाड़े के दौरान सोना के 3 गो सिक्का मिलल। वो खेत के निरीक्षण शनिचर के पुरातत्व विभाग पटना के वरीय तकनीकी सहायक डॉक्टर हर्ष रंजन कुमार कैनी, जेकर लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार देखाता पदाधिकारी के। गिरधर बराव पहुँचला के साथ ही पुरातत्व अधिकारी चिन्हित स्थल के 15 स्क्वायर मीटर के दायरा में 1 फीट खुदाई करैनी। इस दौरान खुदाई में मिलल मिट्टी या कंकड़ के टुकड़ा के अपने साथे जांच खातिर इकट्ठा कैनी। वो जे सोनवर्षा ओपी पहुँचल यहाँ के 3 सिक्का के पुलिस हैंड ओवर कर दिहलस। अभी भी चिन्हित खेत पे पुलिस के पहरा जारी रही। पुरातत्व अधिकारी बतावत रहन कि यहाँ मिलल सोना के सिक्का काफ़ी प्राचीन बा। वहाँ के इशारा इशारा में बता दी हनी कि सिक्का गुप्त काल के हटुए, यानी कि कनिष्क के समय के हटुए। जेकर लैका हुबीन सिक्का रहन, लेकिन आवे वाला समय पर और मोहर लग जाए। अभी तक भोजपुरिया समाचार के खबर को मोहर लग चुकल बटुए। बतावत हनी यहाँ के वरीय पदाधिकारी कि 3-4 दिन तक एक अध्ययन करके वरीय अधिकारी के यहाँ के अपन वरीय अधिकारी के रिपोर्ट सौंपब। एक बाद ही जांच के अगला दिशा दशा तय हुई। पुरातत्व अधिकारी के मानल जाओ तो गिरधर बराव के खेत से सोना के सिक्का प्राचीन पत्थर मिले से पत्थरों मिलल बटू हो जा प्राचीन सभ्यता के कई गो अहम जानकारी मिल सकता। इस दौरान ई अधिकारी के साथे सोनवर्षा ओपी प्रभारी प्रियस प्रदर्शी और बतौर मजिस्ट्रेट नामानगर सीओ अजीत कुमार सिंह मौजूद रही। 8 वर्ष पहले कराहा खुदाई में ग्रामीण के मिलल रहे प्राचीन पत्थर के लोढ़ा। जी हाँ, यह जांच के दौरान यह वरीय पदाधिकारी जे डॉक्टर हर्ष कुमार बानी यहाँ के और रोमांचक चीज देखे के मिलल। जब यहाँ के पूछताछ करे लगनी गांव के लोग से कि और कुछ एक पहले मिलल रहे, तो एगो गांवही के आदमी का कहले जिनकर नाम सुमेर पाल रहे, ये कहले कि 8 वर्ष पहले कराहा खुदाई करे में सुमेर पाल के प्राचीन पत्थर के लोढ़ा मिलल बटुए। बरामद लोढ़ा यानी सिलवट कूटे वाला लोढ़ा 5 किलो के बटुए। ये लोढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता कालीन पत्थर हटुए। पुरातत्व अधिकारी एकरा के भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मानत अपना साथे ले गेलन। प्राचीन सभ्यता संस्कृति के मिल रहल बा संकेत। गिरधर बराव में मिलल धातु आ पत्थर के साक्ष्य यह बात की ओर इशारा कर रहल बा कि एजा के सभ्यता संस्कृति हजारों वर्ष पुरान रहल होई। ना सिर्फ सैंधव संस्कृति के समकालीन रहल होई, बल्कि वही के समान उन्नत आ शहरी संस्कृति भी होई। खासकर सिंधु कालीन पत्थर के लोढ़ा मिले से यह बात के मजबूत प्रमाण मिल रहल बा कि हजारों वर्ष पहले भी जगह अस्तित्व में रहल होई तथा ओहि पर समय के रहन सहन काफ़ी उन्नत होई। गहन खुदाई से मिल सकत बड़ुए कई गो साक्ष्य। जी हाँ, ध्यान देव खबर पो। शनिचर के पुरातत्व अधिकारी महजेक से 1.5 फीट तक की खुदाई करवैलन। इस दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता कालीन के पत्थर के बात पता चल गई। साथे साथ हो जा जौन कंकड़ पत्थर मिलल बा वो भी प्राचीन बटुए।
जानकार के मानल जाओ तो अगर क्षेत्र के गहराई से खुदाई करावल जाओ तो कई गो ऐतिहासिक साक्ष्य भी सामने आ सकता है जौन क्षेत्र के प्राचीन संस्कृति आ इतिहास के संबंध में जानकारी देवे खातिर महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है। जानकार बतावत रहन कि 61 में प्राचीन काल में चेरो करबार खरबार के काफ़ी समृद्ध साम्राज्य रहे, यानी सोने का सिक्का मिलला के बाद लोग एक चेरो खरबार के काल से ही जोड़ के देखता रहन। आ सिक्का के वंश के चर्चित केशव राजा कालीन बतावल जा रहा बा, लेकिन अब सैंधव सभ्यता कालीन पत्थर के लोढ़ा मिले से एजा के संस्कृति चेरो खरबार के शासन से भी बहुत पुरान जान पड़ता। जी हाँ, ध्यान दी, एकरों से पुरानी सभ्यता बढ़ी बतुए लोग में बढ़ गई बा उत्सुकता। सिंधु सभ्यता कालीन पत्थर के लोढ़ा मिले से क्षेत्रीय लोग में एजा के प्राचीन इतिहास के जाने खातिर उत्सुकता बढ़ गई बा। ओजे लोग के बात के भी गर्व बा, इनका गांव के संस्कृति हजारों वर्ष पुरान हटुए। भोजपुरिया समाचार बता देव कि यह जगह के स्थल करे खातिर जस ही पदाधिकारी अलन, सबसे पहले भोजपुरिया समाचार के खबर मिलल जेकर लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार उरा सबके देखा रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार के टीम पहुँचल तो जौन वरीय पदाधिकारी पुरातत्व विभाग के बानी यहाँ के कंकड़ पत्थर बिरत नजर आईनी। भोजपुरिया समाचार लाइव फोटो उठैलस, एक बाद सब कुछ बिनला के बाद लगभग एक झोरी कंकड़ पत्थर यानी कि जहाँ सोना के सिक्का मिल रहे ओकरा दू कट्ठा पूर्व, दू कट्ठा पश्चिम, दू कट्ठा उत्तर आ दू कट्ठा दक्षिण, हर साइड से कंकड़ पत्थर मिलल सबके इकट्ठा कैनी। कैला के बाद एगो झोरा में भर के यहाँ के अपना साथे ले गईनी। यही दौरान गांव के सुमेर पाल कहले कि हमरो भी एगो बटुए 8 बरिस पहले यही खेतवा में जवनी खेत बटुए यही खेतवा में कराहा काटत रही सरकार, तो हमरा एगो लोढ़ा मिलल फावड़ा मरनी तो लोढ़ा मिलल, वो लोढ़ा बड़ी भारी बटुए। एक बाद हम लोढ़वा के जब मिलल तो यह लोढ़वा के ले जाके मिल पर जो खबैनी कि कौ किलो के बा, पता चलल कि 5 किलो के बटुए। आजकल के मेहरारू आए आदमी लोग 5 किलो के लोढ़ा सिलवटना लोढ़ा लोढ़ा से खाना ना पीस सकेला लोग, यानी कि ये बता रहल बटुए कि वो समय के सभ्यता वो समय के औरत काफ़ी मजबूत कदकाठी के होखी लोग, तबे जाके इतना बरियार लोढ़ा मिलल बटुए। ये 5 किलो के रूप में इस्तेमाल करत रहन सुमेर पाल, लेकिन यही जवा सभ्यता कुछ और दिखा रहल बटुए। सिक्का गुप्त काल के सिंधु घाटी सभ्यता के मिलल बटुए जा प्रमाण, लोढ़ा मिल चुकल बटुए वरीय पदाधिकारी। बगल में एगो मंदिर बटुए जहाँ अष्ट धातु के मूर्ति रहल हटुए, वही निरीक्षण करे वरीय पदाधिकारी पहुँच गईनी। हालांकि यहाँ के कुछ भी बतावे से बचत नजर आईनी, यहाँ के कहनी कि हमने के अपन वरीय पदाधिकारी के सूचना दी हब जाए जरा के लेके यहाँ के कुछ भी ना बतैनी। हालांकि ऑफ कैमरा सब कुछ बता देनी, सब कुछ बतैनी वरीय पदाधिकारी बतैनी कि अभी पहरा एजा जारी रही, हम रिपोर्ट 2-3 दिन में अपन वरीय पदाधिकारी के देव, ओहिजा से पटना से जैसन आदेश हुई ओकरा अनुसार अभी आगे और कार्रवाई हुई। यानी कि अभी भी बक्सर जिला के गिरधर भराव में पुलिस के पहरा जारी रही आ साथे साथे एहिजा के सभ्यता के और जानकारी लिहल जाई। गांव के लोग के भी जागरूक नजर करत ऐनी पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी। यहाँ के कहनी कि जवन भी 1.5 फीट नीचे के सामान मिले वो सरकारी संपत्ति हटू करा के जमा कर दी सब है, आ साथे साथे यहाँ के लोढ़ा के भी जब्त कैनी। तो लाइव कार्रवाई देखी, अंत तक बयान सुनी, धन्यवाद। लेट कर लीजिए।
कनेक्ट कर लीजिए। अलर्ट कर लीजिए। अलर्ट कर लीजिए। अलर्ट कर लीजिए। उतरे हुआ पूरा पसी उतर पलट के भी लीजिए। पति धनेश्वर महतो ना चार मिल रहा था, चार में फिर चार पाँच बजे करेंगे, फिर दो बजे ना एक तो उन्हीं को नाची को मिल गया, उनका नाच मिल गया एक तो चार पाँच बजे शाम को करीब में एक नाची का मिला और एक तो फल जमीन का इसके पहले यहाँ पे कुछ और आप लोग को मिलता था कि नहीं? तो सर पत्थर मिला था 8 साल पहले, पत्थर किस चीज़ का मिला था ये भी लाइए तो बटखरा जी का, बटखरा नहीं मतलब वो सिल्वर का कुछ पार्ट कैसा था जी, लोहा जैसा, लोहा जैसा अभी रखे हैं अभी, हाँ 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 दिखा सकते हैं, पाँच किलो पंच है, सिल्वर लोहा नहीं होता है, प्याज के जुग का नहीं है।
बाद में फोन कर रहा हूँ। वजन है ना सर, इसमें वजन से मतलब मैटर नहीं करता, ये पेस्टल है। 10 रुपया से ऊपर का मूल्य वैल्यू है वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लोग को यहाँ से कभी भी कुछ मिले तो आप वो पूरा अवशेष के श्रेणी में आता है। हम पीछे रह वाले कोनो बात नहीं है, ठीक बा, आराम करी, राहुल कोनो दिक्कत नहीं है। কিন্তু আহ কুর্সি লেব দিল तो भाग के टीम आई रहल त का का मिलल हटु या त कुल कंकड़ कुछ खाक सब लेकिन यहां एगो लोढ़ा मिलल ह उ लेकिन यहां कंकड़ कितना दूर में लोग लेले कंकड़ कहां तक हो ये न तोरी ओरी में कहां तक रखनी हो ओ अगल बगल माने माने तो हां चार कटा पांच कटा होने भी गई रे सब होने कोना देना ऐसे देख ले बोलो हां हां से देख के खोज के अपन फोटो तो खिचात रहे हां फोटो तो खिचात रहे शायद तो ई राउरे जमीन रहल नी हमारे जमीन है ए जे सोना के सिक्का मिलो ए जे सोकन सोना के सिक्का मिलो का नाम पड़ी रहो हरिहर साहब पिता पिता स्वर्गीय गणेश साहब घर गिरधर बराम कितना साल पहले उ लोढ़ा मिलल रहे 10 साल के करीब में यही जे हां यही जे तो कैसे मिल गए ए जे हम पानी फेरत रहे यही करहा रहे जरी जरियारी के तो कोल के मुहानी बांधत रही तो हमरा मिलल मिलल तो हम कनी पथली तो का होई अगर लिया तो देखें कि मिल चलते रहे रास्ते में गो तो ये चेक कोई नहीं 5 किलो बस वही दिन से हम अपन बटा खराब बटा के जोखत रही और वो कहीं कह रहे सिलो मसाला पिसोल बनवा दी तो कहे भारी भाई के चल 5 किलो यही से जोखत रहे। अच्छा ये तो भाई दे देनी हम दे देनी है कि का जाने मान ले कि हटना कीमती चीज़ कुल मिलता कहता लो तो का जाने वहू में यही खेतों में कहनी है कि या पहले पत्थर उथल रहे तो ये हरिहर साहब के खेत है तो जानत रहन हम कहले रहें कि देखन है तोहरे खेत मिलल बा इनका ले तो कल है कि हिनको मिलल है तो हम कह देनी है कौन एमें तो बोले के चल गए हाँ तो ले जा कानों में कीमती सामान हुई महाराज तो निकल जी तो बहिमन बा हाँ लेकिन सुनी हनु कि दिया ही नहीं को पैसा रुपया सब तो ना दिया तो मत दिया सरकार के जाइ नु हाँ भाई हम नहीं कहब कुल तो सरकार के हो हाँ बड़ा का नाम पड़ी रहो सुमेर पाल पिता के नाम स्वर्गीय सुदर्शन पाल घर गिरधर बराम